परसेंट हमारे प्रयास से आया, 20% हमारे प्रयास नहीं आया। आज ये जो धूप में बैठे हुए लोग हैं ना, ये एक शक्ति का प्रदर्शन है। बोर्ड के अंदर विजिलेंस अधिकारी देख रहे हो, आपके आगे आते हैं, ये न्यूज बनाकर भेजते हैं, पूरी रिपोर्ट को भेजते हैं, आपकी फोटोज के साथ जाती है, कैमरे के साथ जाती है, ये लोग वहाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि दूध सर्कल जाएंगे, पैसे खर्चे करेंगे तो क्या उससे कुछ साथ मिलेगा। यही जंतर मंतर पे 2014 में ना आए होते तो 20% नहीं आता। याद रखो, अगर इसी जंतर मंतर के ऊपर हम अपनी आवाज ना उठाते, 1% नहीं मिलता। कोरोना काल में हमारे साथी रात 12-12 बजे तक जाकर 1-1 बजे तक जो साथी यहाँ मौजूद होंगे इस बात को जानते हैं अच्छे से कि उन्होंने ट्यूट किया, सरकार की आंखें खोली, तब जाके सरकार ने उनको वो बेनिफिट दिया, 1/3 का बेनिफिट। मगर जो लोग लगे वो भी हमारे भाई है, उस चीज का दुख नहीं है। मगर जो लोग नहीं लग पाए उस चीज का दुख हो रहा है। क्यों नहीं लग पाए? कुछ चालाक लोगों की वजह से, कुछ चालाक लोगों की वजह, गलतियों की वजह से। क्या लड़ाई हमने इस चीज के लिए लड़ी थी कि जो छोड़ देगा हम उसको मान लेंगे? आज भी अगर आप लोग बैठे हमारे साथ, अभी रेलवे बोर्ड कह रहे कि हम ये कोशिश दे रहे हैं, कितने जो लोग परेशान है, जो सेल्फिश लोग हैं, वो खुद को उस पर असर कर लेंगे। भैया आप लोग हमारा दिल्ली नहीं आ सकते हैं, हम बाकी के लोग तड़पते रहते हैं उस साथ है। यही कारण है साथियों, मेरे को डर लगता है कि ये लड़ाई जो है ना आगे पता नहीं कितने समय तक चलती रहेगी। पता है आप लोगों को, अभी भी कुछ बातें हमारे बीच आती हैं, आश्वासन के रूप में आती हैं, या हमारे रूप बीच में जो भी आ रहा है साथियों, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव सा साथियों। अगर आज देखिए, मेरे को APJ अब्दुल कलाम की वो पंक्तियां याद आती हैं, कहते वो कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं ना, वो बिना ना कोशिश करने वालों को मिलता है। बात को समझना, यही चीज हुआ है। ये जितना छोड़ देते हैं ना, कोशिश करने वाला जितना आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं ना, वो बिन कोशिश ना कोशिश करने वाले को वो चीज मिल जाती है। वही चीज मिली है आप लोग यहाँ पर धूप में लड़ रहे हो। बहुत से लोग घरों में बैठे होंगे, टीवी चलाकर बैठे होंगे, घर में एसी में बैठे होंगे, मगर हम लोग जब आधा छोड़ जाएंगे ना, जो लोग कहते हैं कि भैया हम पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, उन लोगों को फायदा ले जाते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम जी के जो राइट्स थे वो